पूरा मिट्टी पानी पता नहीं क्या क्या गिर रहा है ऊपर से। और सामने दिख रहा है यार बाहर, क्या करूं क्या करूं, गर्मी ज़्यादा हो रही है। तो जी ये 7:30 बजे का सीन है, बहुत ही तकड़ी बारिश आई है एकदम, क्या तो कुछ था ही नहीं। हाँ लेट हो गया, वो दोपहर के बाद होनी थी लेकिन वो होते होते लेट हो गई थोड़ी। ये इमरजेंसी लाइट है बस, कैफे में भीड़ लगी हुई है, सब रुकने वाले इस टाइम पे। हाँ और टाइम हो गया, ये देखो पानी कितना जा रहा है और आगे भी बहुत तेज हुई है। गर्मी अभी कम नहीं हुई है, गर्मी उतनी लग रही है लगातार। ये देखो बारिश रुकने के बाद होगी, हवा चलेगी तो गर्मी कम होगी, हवा नहीं चल रही अभी। रोड भी भर के जा रहा है पूरा और बिजली तो बहुत धमाल रही है। सो जी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो जी अभी हम निकल रहे हैं आज कई दिन के बाद जिम में, आज जिम का प्लान बन गया, बहुत दिन के बाद बना है। और कल का अगर वेदर बताऊं तो भाई कल मैंने जैसे वीडियो वीडियो एंड कर दी थी उसके बाद में जो बारिश हुई है ना 7 बजे से लेके और 8-8:30 बजे तक बहुत ताबड़तोड़ बरसात हुई। देखो भाई थंडर स्टॉर्म आया दोपहर, थोड़ा लेट हो गया। लेट आया, मोनिका की भविष्यवाणी सेम सही निकली, सुबह में नहीं आया तो तकड़ी बारिश हो रही थी। और और कैफे में हो गया पूरा पानी पानी, ना बैठने को जगह थी ना खड़ा होने को जगह थी, तो कोई दिक्कत नहीं। आज उसका काम करना है पहले भाई कैफे का, क्योंकि ये रोज रोज का परेशानी रहेगी। अभी अक्षु का जो है एडमिशन वगैरह हो गया, सब चीज हो गई, तो अब मैं आराम से उस पर आज लगता हूँ, आज उसको करेंगे। यहाँ पे क्या चल रहा है इतना, हाँ तो जी आज लगेंगे कैफे के काम पे और करते हैं आज कंप्लीट, देखते हैं भाई कितना टाइम लगेगा क्या है। सामान वामान लेकर आता हूँ पहले, चलते हैं। मौसम ना ठंडा हो गया पहले से थोड़ा है ना, तो मतलब वैसी जो ह्यूमिडिटी थी तकड़ी वाली वो खत्म हुई है थोड़ी सी। 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है रोज शाम में, दिन में नहीं होती, रात में नहीं होती, शाम में हो जाती है। हाँ कल भी मुझे लग रहा था कि बारिश नहीं होगी शायद, कल भी गर्मी अच्छी थी बोल दो। और कल तो ऐसे आई पहले से, कुछ पता ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं आया बारिश आने वाली है, जो जहाँ था वहीं फंस गया। हाँ तो जी सारा सामान वामान ले आए और अभी सारा सामान निकाल के रखा है मैंने इधर, अब लगूंगा मैं इस पे काम पे, जो जो इसमें करना है, किधर को स्लोप देना है वो सारा इसकी सेटिंग करनी है आज, क्योंकि बारिश ज़्यादा हुई। कल तो पूरे में अंदर पानी पानी भरा हुआ था शाम के टाइम में, तो लगते हैं करते हैं इसको आज फिनिश, और रोज रोज का नहीं रखना, आज करके छुट्टी करते हैं। तो बरसात तो बरसातों के लिए हो जाएगा एटलीस्ट, फिर ये रोज रोज की कहानी जो है वो ख़त्म करेंगे। तो जी ऊपर का तिरपाल हटाया है, बहुत सारा उसके ऊपर कचरा निकला है, कचरा क्या वो पत्ते उत्ते इकट्ठे होते रहते थे उससे, ये इतने पत्ते निकले ऊपर के पेड़ों के। फिलहाल ये आ गया नीचे सारा, अब इसको खोल के करता हूँ सेट, पहले इसको पूरा साफ करना पड़ेगा और फिर दूसरा तिरपाल ले गया हूँ वो बांधूँगा। बाकी ऊपर से छत कैसी हो रखी इधर से दिखती है, ये है मेरा पीछे से छत पे जाने का रास्ता यहाँ से। ये भाई कहाँ है, ये दबी हुई है, एक वहाँ पे गड्ढा था, ये सारे गड्ढे सही करने हैं, लगाया तो बहुत सेट करके था मैंने खैर, पर बारिश का पानी ऐसा होता है, स्लोप नहीं था तो अभी स्लोप बनाना है इसका, बाकी करते हैं इसको सेट फिर से दोबारा। तो जी 12:40 हो गए, काम इतना डन हो गया। अब ये देखो ये है उधर की तरफ को ढाल पूरा, ये वाला हिस्सा मैंने पूरा नीचे डाउन कर दिया है कम से कम 1-1 फुट, और ये बिल्कुल दीवार के लेवल में आ गया।
तो अभी ढाल जो है पूरा ये पीछे को हो गया और पीछे तक जाएगा, अब दिखाऊंगा क्या जाएगा तिरपाल। हालत थोड़ी सी खस्ता हो रखी है, लगा हुआ हूँ अकेला ही, बस थोड़ी बहुत देर में और हो जाना चाहिए, और बादल भी ऊपर है सर पे, लग रहा है कि बारिश होगी आज फिर दोबारा से, तो चेक भी हो जाएगा अपना ये अगर उससे पहले पहले कर देता हूँ तो। जी तिरपाल की सेटिंग हो चुकी है, कैसे कैसे डालना है ये सब अभी खोला है, ये भी बांधना पड़ेगा। तो जी ये पूरा सेट कराया और अकेले नहीं किया है आज, तो अभी इधर से फिनिशिंग लेके जाता हूँ इसकी, हो जाएगा बस धीरे धीरे और थोड़ी देर में। तो अकेले करने में दिक्कत तो हुई इसे फैलाने में पूरे को उधर तक, एक बार इधर से फैलाता था फिर उधर जाता था फिर इधर आता था फिर उधर, ऐसे ऐसे करके कर लिया। चलो जी इसको कर देते हैं सेट और इसको बांध के उसके बाद दिखाता हूँ फिर आपको, क्योंकि मेरी हालत हो रखी है बहुत बाली बुरी, बुरी मतलब कितनी बुरी, पसीने में तर हूँ, ये देखो बाहर पूरा मिट्टी पानी पता नहीं क्या क्या गिर रहा है ऊपर से। फिलहाल ये सेट हो गया अपना, इसको भी टाइट करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, ये जहाँ जहाँ से लूज हो रहा है ना, तो इसको भी टाइट करेंगे। मैं भूल ही गया था कैमरा मेरी तरफ लगा हुआ है और दिखा उधर रहा हूँ, तो गर्मी में ऐसी बुरी हालत हो रही है और सामने दिख रहा है यार बाहर, क्या करूँ क्या करूँ, गर्मी ज़्यादा हो रही है, चलो कुछ तो करते हैं। हाँ गर्मी बहुत है और काम करने का ना मज़ा दुगना हो जाता है जब बीच बीच में कोल्ड ड्रिंक पीते रहो आप, तो अभी चल रही है अपनी कोल्ड ड्रिंक बीच में, उसके बाद में फिर काम पर लग जाएंगे, कर देंगे आज, आज मैं फिनिश करके छोड़ना है। टाइम हो गया लगभग 1:30 बज गया, तो टाइम तो काफ़ी हो गया, मुझे लगा हुआ था लगभग 10:30-11 बजे लग गया था मैं आके यहाँ पे, 2 घंटे से इधर ही लगा हुआ हूँ सारे में। अभी थोड़ा अंधेरा अंधेरा लगेगा, लाइटिंग थोड़ी सी अंदर देखूँगा बढ़ा दूँगा जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो। हाँ तो जी लंच हो गया, लंच करके आके दोबारा फिर लग गया हूँ और अभी आपको थोड़ा काफ़ी कुछ चेंज दिख रहा होगा यहाँ पे पीछे। हालत अभी वैसी हो रही है, हवा बंद है, गर्मी है, आज अभी बारिश नहीं हुई पर शाम तक हो जाएगी। तो जी ये मैं दिखाता हूँ कैसा कर दिया है अभी मैंने। तो जी ये पूरा इस बार तिरपाल आर पार लेके गए हैं, इधर से निकाला है, यहाँ थोड़ा सा काटना पड़ा ये सो दैट ये पेड़ को बीच से जगह दी जाए, एक इधर काटना पड़ा यहाँ पर ही पेड़ है पेड़ के लिए, और ये इधर से भी पूरा उधर अभी दीवार की तरफ बांध देंगे। बाकी ऐसा कुछ हो गया है, सारा तिरपाल रेडी हो गया ऑलमोस्ट, थोड़ा थोड़ा अब काम रह गया ये टाइट करने हैं, तो ये आज तो नहीं होंगे, कल करूँगा आराम से आज, क्योंकि मैं थक गया हूँ काफ़ी, बुरी हालत हो गई आज, बहुत पसीना निकला है, तो आज जैसा है वैसे ही रहने दूँगा इसको, बस कल कर दूँगा जो बचे हुए काम है। अभी पीछे की तरफ कीले ठोकनी है दीवार के पीछे से सो दैट पूरा पानी उधर जाए और उधर से ये पूरा कवर रहे, उड़े ना हवा से, तो वो काम करना बाकी रह गया, वही करना है आज बस, बाकी छोड़ दूंगा अभी। सफाई वफाई कर रहा हूँ पहले, बहुत कचरा गिरा है नीचे, बहुत पत्ते गिरे हैं और इतने ही बाहर हैं जो इसके ऊपर पड़े हुए थे, तो उनको सबको उठा उठा के सफाई करके फिर बैठते हैं यार। तो जी टाइम हो रहा है 4:15 का और मैं आ गया था कुछ सामान लेने, सामान मतलब ये पीछे दीवार में ठोकने के लिए कीले हैं, 100-200 ग्राम लिए, ये मुझे चाहिए थी ठोकने के लिए दीवार के अंदर। आज जी इधर खुदाई शुरू हो गई यहाँ पे, अब ये वाला जो है ये खतरनाक रहेगा, देखो गाड़ी आ गई इधर, बचने का बड़ा मुश्किल हुआ है, ये पूरा खुद गया इधर की तरफ और ये है टर्न, ये वाला सबसे ज्यादा खतरनाक है, इधर कोई होना चाहिए खड़ा हुआ एक बंदा। चलो पहुंच गए, करता हूँ इस काम को फिट करके फिर नहाता हूँ यार, बुरा हाल हो गया अभी नहाया नहीं हूँ, थोड़ा सा पहले निकल आया वरना ये बस मुझे रोक के खड़ी हो जाती। तो जी फाइनली ये पूरा हो चुका है रेडी, इधर से हो गया, आगे की तरफ से भी हो गया पूरा, थोड़ा सा यहाँ पे बांधना था हल्का सा और इधर से ही पूरा कर दिया है मैंने, फिलहाल ऐसा हो गया। और बाकी
थोड़ा काम रह गया, ये कल करूंगा क्योंकि थक गया था बहुत। टाइम क्या हो गया मोनी? तो जी 5 बजे जाके मैं नहाया हूँ, ऐसा हो गया। और थोड़ा भी ऐसे ही लग रहा है, थोड़ी चमक कम लग रही है क्योंकि अब पीछे से ना डार्क हो गया। पहले वो रोशनी दिखती थी तो दीवार अच्छी लगती थी, है ना। और थोड़ा शाम का टाइम भी हो गया है अभी। तो खैर इसमें कुछ नहीं करूँगा ज़्यादा इस बार, इस सीज़न कुछ नहीं करना। अब बरसात तो बरसात। तो मोनिका कह रही थी एक लेबर ले लो, वो करके चला जाएगा। दोबारा चूने लगता तो फिर मुझे और दुख होता कि लेबर करके गई है, अब दोबारा फिर लेनी पड़ेगी। और खुद से किया है तो मुझे पता है कहाँ पे क्या कमी रह गई, क्या कर सकते हैं। दोबारा अगर चूएगा तो दोबारा कर देंगे, ठीक। तो जी आज का दिन पूरा इसमें गया। एंड अभी व्लॉग जो है आपको शाम में डेली मिलते रहेंगे, ऑलमोस्ट डेली सुबह से शाम तक जो भी रिकॉर्ड होता है वो शाम को मैं देखता रहूँगा। ये दिन शाम को नहीं मिला तो सुबह में मिल जाएगा, अगले दिन ऐसा हो जाता है। तो कई बार वीडियो अपलोड नहीं हो पाती, जैसे कि इधर बिजी हो गए या फिर कुछ और कामों में फंस गए, तो इसलिए हो नहीं पाता कई बार प्रॉपर। तो इसलिए मैं वो अगले दिन सुबह करता हूँ, जैसे कि आज सुबह मैंने डाला था। तो जी उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल अगर नहीं किया है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।